गोलाची का प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान ढील की शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ा रुख अपनाया है। एसडीएम शशि वसुंधरा ने गुरुवार को बाजारों का चक्कर लगाकर नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों और रेहड़ी चालकों पर कार्रवाई की। 10 दुकानों और रेहड़ी चालकों के पास रद्द किए गए 5 रेहड़ियों को कब्जे में भी लिया गया है। लाइसेंस दिया था तो वो शर्तों पर दिया था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड सैनिटाइजर है, मास्क है आदि इत्यादि की जो पालना है वो सुनिश्चित करेंगे। रेडी वाले अपना सामान भी बेचेंगे और ये सारी चीजें भी सुनिश्चित करेंगे ताकि महामारी से बचा जा सके। लेकिन आज जांच के दौरान, निरीक्षण के दौरान हमने ये पाया कि कईयों ने मास्क नहीं थे, कईयों के पास सैनिटाइजर्स नहीं थे। ये साफ साफ उल्लंघना है हमारी शर्तों पे, शर्तों की जिनमें पासेज हमने दिए हुए थे तो हमने वो पासेज कैंसिल करके उनकी गाड़ियां में इन्फॉर्म करवाई। तकरीबन हमने 10 के करीब गाड़ियां जो है पासेज जो है वो कैंसिल करे और 5 के करीब गाड़ियों को इन्फॉर्म करे। एसडीएम शशि वसुंधरा ने बताया कि खेती बाड़ी से संबंधित दुकानों को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक कुछ किराना की दुकानों को भी काम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान दुकानें खोलने वालों को मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना जरूरी है। शशि वसुंधरा ने बताया कि महामारी से जीतने के लिए लॉकडाउन फेज 2 का पालन ज्यादा सख्ती से करना जरूरी है। अभी नई गाइडलाइन जारी करी है, जो एग्रीकल्चर से संबंधित दुकानें हैं या काम है वो दुकानें खुली हुई हैं। तो उस चक्कर में भी और कुछ जो लोगों को अंदेशा था कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, शायद लोगों को अभी इस बात का इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्हीं को हम जागरूक करने आए हैं कि ये लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक है और उसी तरह ही रहेगा। और जैसे हमने पिछले 21 दिन निकाले हैं, आगे के 19 दिन भी हमें ऐसे ही करना है। जो बेहद जरूरी काम है लोग उसी के लिए निकलेंगे और एग्रीकल्चर की जो दुकानें हैं वो 10 से 1 खुली रहेगी। नहीं, बिल्कुल ये क्लियर कट है हमारे पास, हमने निकाला हुआ है 8 से 3 का है टाइमिंग एसेंशियल सर्विसेज के लिए, किराना शॉप्स के लिए। जिन लोगों ने नहीं अभी तक अप्लाई करा और दुकानें खोल रखी हैं उनके ऊपर कार्रवाई। तो मैडम जो क्या हम इम्पाउंड करे हैं जो रेडी वाले हैं जिनके पास नहीं मिला और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी। लॉकडाउन को उल्लंघना करने पर जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो करें। तो मैडम यही कन्वे करना चाहेंगे कि अभी तक सभी जनता ने पूरा सहयोग दिया, लेकिन अब ये ढील बरतने का समय नहीं है और ज्यादा हमें कड़क होकर इसको इम्प्लीमेंट करना है और पिछली बार से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल के तहत ये फॉलो होना चाहिए ताकि हम इस महामारी के को जीत सके। तो मैडम वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए सर्विसेज खुली है, चाहे वो फर्टिलाइजर की दुकान हो, पेस्टिसाइड की दुकान हो और एग्रीकल्चर के संबंध में जो मशीनरी है उनकी दुकानें खुली है, लेकिन वो भी 10 से 1 खुली है एवं उनको सोशल डिस्टेंसिंग और जो दूसरी गाइडलाइन से सैनिटाइजर का प्रयोग, मास्क का प्रयोग वो सब अनिवार्य है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। गोलाची का प्रशासन के कामकाज पर 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।